खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं ट्रोबा टेक्सिंग का, जहां मुल्क भर की तरह योम इस्तेसाल कश्मीर के मौका पर जिला कौंसल लाहौर में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद करार हुसैन थे, जबकि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू जोहर शाकर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अहमद जवाद, चीफ ऑफिसर जिला कौंसल अनवर बेग, राउफ गुज्जर, जियो इन्फॉर्मेशन मोहम्मद शहबाज इंसारी समेत सरकारी अफसरान, सिविल सोसाइटी, शहरियों और मीडिया नुमाइंदगान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस वक्त टोबा से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं अताउल्लाह वेंस, इनसे सेमिनार के मुतालिक जानते हैं। जी अताउल्लाह, तफसीलात से आगाह करें। बिल्कुल, 5 अगस्त को मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत और महासे के 4 साल मुकम्मल होने पर मजलूम बहन भाइयों से सारे यकजहती के लिए जिला कौंसिल के हाल में सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार में सैरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की। डिप्टी कमिश्नर मुनीम का कहना था, भारत ने जुबराना जुल्माना गैरकानूनी व गैर आइनी तरीका अख्तियार करके आर्टिकल 370 और 35 से को मंसूख किया है। आज का दिन मकबूजा कश्मीर की तारीख में कश्मीरियों के इस साल का एक सयाह बाब है। 4 साल से मकबूजा वादी की आवाम आज़ादी, अजहार और पुरअमन इतमास में तमाम बुनियादी हकूक से महरूम है। आज का दिन हमारे लिए महासभा का दिन है। कश्मीरी भाइयों की आवाज़ बनकर बैन अवी सतह पर पहुंचानी है। DPO से एक राजसैन का कहना था, 5 अगस्त की मुनासबत से इस बात का अहद किया जाए कि हम अपने हिस्से का करदार अदा कर रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी का सूरत होगा। पूरी इंजामिया और शहरी जदोजहद आज़ादी में मजलूम कश्मीरियों के साथ है। और DPO से इकरार हुसैन ने स्कूलों के तलबा की तकरीर और मिल नगमे के जरिए मसला कश्मीर और इसके हल पर तफसीली रोशनी डाली। सेमिनार के अख्ताम पर पीर शमस उस्मान कादरी ने मुल्क की सलामती के लिए दुआ कराई और डिप्टी कमिश्नर मुनीम संधू और DPO से इकरार हुसैन की क्यात में यकजहती कश्मीर रैली भी निकाली गई। कैमरामैन रशीद नजम के साथ अताउल्लाह वेंस, टोबा टेसिंग।